तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ध्यान से आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का है जो 2014 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा 40 में आया हुआ क्वेश्चन है और एलसीआर सेम अल्टरनेट का ही चल रहा है। एल सी आर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी नहीं दिया है पर सोर्स कितना है 200 वोल्ट, मतलब समझ रहे हैं ये वी की वैल्यू है। एल की वैल्यू कितना है इतना है और सी मतलब फिर से पढ़ लीजिए, एल सी आर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 200 वोल्ट सोर्स विथ एल इंडक्टेंस है हमारा 50 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 80 माइक्रो फैरड, आर है 40 ओम, डिटरमाइंड सोर्स फ्रिक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर बताना। क्या सोर्स फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले हम लोग देखें गिवन लिखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट गिवन का, क्योंकि इसी गिवन के आपको नंबर मिल जाता है। अगर ये आप सही सही लिख देते पूरा नंबर आपको, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू और ये है 200, ठीक है 200 है तो 200 लिखना इतना बोल्ट। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, L की वैल्यू दिया है, ये है हमारा 50 × 10 पावर। देखिए ये जब चेंज करेंगे ना तभी आपको उम्मीद करिएगा नंबर मिलेगा, देखिए नहीं तो नहीं। तो अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं 5 × 10 पावर कितना होगा -2 हेनरी, ठीक है L की वैल्यू आ गया। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर 80 अगर माइक्रो फैरड रहेंगे तो शायद नहीं नंबर मिलेगा, पर आप फैरड में चेंज करके अब लिखेंगे 8 × 10⁻¹⁵, तो आपको हाफ मार्क्स जो है मिल सकते हैं, ठीक है ये हो गया। और रेजिस्टेंस को कुछ चेंज नहीं करना है तो आप 40 ओम लिख देंगे तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें करना नंबर कहाँ मिल सकता है आपको हाफ, देखिए गिवन में आप जब भी वैल्यू रखिए तो आप चेंज कर दीजिए। अगर ये आप चेंज नहीं करते हैं और क्वेश्चन लगाने में अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो मान के चलिए आपको हाफ नंबर में, पर अगर आप यहाँ चेंज कर देते हैं, अगर आप जे फार्मूले में रखें ना तो यहाँ चेंज करने का अलग हाफ मार्क्स मिलेगा और फार्मूले में पुट करने का अलग मिल जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हाफ। तो इसलिए सबसे पहले क्या दिया, एल दिया, आर दिया, सी दिया, सब हमने लिख दिया, ठीक है। और अब क्या पूछा है, सबसे पहले सोर्स फ्रिक्वेंसी पूछ दिया। तो देखिए हम लोग जानते हैं एल सी आर का जो होता है, देखिए एल सी आर में जो होता है ओमेगा एल जो होता है 1/ωc के इक्वल होता है, सीधी सीधी बात समझिए। फिर तो हमारा होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले एल सी को, एल सी की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू मैंने लिखा है 5 × 10⁻⁻⁶ कितना है तो 2 है, देखिए ये वाला। और C की वैल्यू हमारे पास कितना ये है 8 × 10⁻⁵, ये हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 8 × 5 जब 40 हो गया यहाँ पे इंटू 10⁻⁶, ध्यान से देखिए कि ये कितना होगा माइनस हमारा कितना हो गया तो 5 × 7 हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1/4 × 10⁻⁶, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा होगा 10⁻⁶ कम होके 6 हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया। अगर स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो हमारा हो जाएगा 10³, मतलब 1000 ये हो गया और 2 हो गया, इसको इससे काट देंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आ गई 500, और ये ओमेगा है ना तो 500 की वैल्यू हो गई हमारी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग जानते ओमेगा इज इक्वल होता है 2π ν, क्योंकि हमको क्या चाहिए आप ध्यान से देखेंगे तो हमको चाहिए फ्रिक्वेंसी, यहाँ से देखिए तो इसको हमको लिखना पड़ेगा ओमेगा 2π ν, तो न्यू इज इक्वल होगा ओमेगा 2π, तो आगे हम लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू 500 और 2π, इसको इससे काटेंगे तो ये हो गया 250, तो न्यू की वैल्यू जो आएगी होगी कितने 250 / π। अब रही बात 250 में अगर हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तभी जाके आएगा, तो देख लीजिए नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये देख लीजिए आप लोग, नीचे का पार्ट दिख रहा है ना, तो अभी तो ठीक है चलिए सही है दिख रहा है। तो आगे देखिए इसको डिवाइड भी करके आपको दिखाते हैं, तो चलिए हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग 250 को
और 3.14 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिए, दो जीरो यहाँ। अब देखिए वन जा तो जाएगा नहीं इसमें, देख रहे हैं क्योंकि 300 ये 225, तो यहाँ पर हमें इतना लेना पड़ेगा यहाँ तक जाके। तो ये कितना है हमारा, तो यहाँ हो गया 2500 या 300। तो 3 का टेबल पढ़िए कितनी बार, देखिए 9 जा अगर पढ़ेंगे 27 होता है, तो 9 जा की जगह अगर 6 जा हम पढ़े या 5 जा पढ़े तब पता है, 9 जा अगर 7 जा पढ़े, 314 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए तो 28 हो गया, ठीक है, दो आ गया यहाँ 7 to 9 और यहाँ पे 21 हो गया, तो ये कम है। चलिए एक बार और हमने इसी में ऐड कर देना 314 और चेक कर लेना कि 6 जा जाता है कि नहीं, ठीक है, 8 जा तो ये हो गया 12, वन कैरी आ गया और यहाँ पे 10 और एक 11 आ गया, फिर वन कैरी आ गया, उसके बाद यहाँ एक 5 और देखिए यहाँ पे 2512 आ गया, इसका मतलब कितना, 2512 का मतलब 25 ज़्यादा निकल गया, हमें यहाँ 7 ही ले जाना है और 7 में आ गया कितना 2198। आगे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी ले जाएंगे 10 होगा, 10 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 990 हो गया, यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ कितना होगा 3 आ गया। आप देखिए ठीक है, अब हमने 101 लेना है। अब देखिए अभी हम ले गए तो अब कितनी बार जा सकता है, देखिए 9 जाता है 8 जाता है, तो 7 में हम लोग क्या करते हैं इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, तो 8 जा पहले देखिए ज़्यादा है तो 9 जा लेके जा कर देखेंगे, क्योंकि तो 9 जा अगर हम कर लेते हैं तो 9 4 जा कितना होगा 36 हो गया, तो 3 यहाँ 9 12 हो गया, एक यहाँ कैरी आ गया और 27 और 28, तो इसका मतलब 9 जा ही जाएगा, तो 9 जा ले जाके पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ 2826 आ गया हमारा, और फिर सबट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना होगा 9 हो गया तो 1 आ गया, फिर यहाँ 0 अगर पॉइंट के बाद बढ़ा लिया तो कितनी बार सकते हैं 3, तो आप देखिए कितनी बार जा सकता है 3 4 12, मतलब एक तरह से यहाँ देखेंगे तो वहाँ अभी कितना गया था 7 जा तो 6 आ जाए, इतना लिख देंगे। तो हमने देखा कि हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई 79.6, मान लीजिए हमने 80 हर्ट्ज़ दे दिया, चलिए और आगे ले जाएंगे कितना होगा 80 हर्ट्ज़, तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो जो हम लोग की वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, देखिए 80 हर्ट्ज़ हो रहा है, वैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होता है, पर उसकी वजह से देखिए यहाँ हमारा क्या हो गया LCR सर्किट की वजह से बढ़ जाता, तो जब LCR सर्किट होता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ के कितना हो गया 80 हर्ट्ज पहुँच गया 50 से, आप एक तो बात समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q = ω(L/R), ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था, क्या क्वालिटी फैक्टर ω(L/R) होता है और ओमेगा की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल रखे हैं 500 और L की वैल्यू हम लोग को पहले से पता है 5 × 10⁻⁻ कितना है तो 2 है, और यहाँ से R की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, क्वेश्चन में R दिया था इसीलिए अब यूज है इसका 40 10 यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, इसको हमने देखे यहाँ 0 इसको काट ही नहीं सकते तो यहाँ से काट दिया, अब इसको हमने काटना है, चलिए तो ये हो गया 25 यहाँ आ गया 2 यही ना, ये नहीं कटा यहाँ 5 है पूरा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं 125 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 10⁻², तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6 मान लीजिए और उसके बाद 0.5 × 10⁻², तो अगर हमने देखा कि इसको हम इधर लाएंगे एक पॉइंट इधर ला दिए तो कितना हो गया, पॉइंट हटा दे यहाँ पे तो 6.25 और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ हो गया -1, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.625 यही इसका क्वालिटी फैक्टर होगा 0.625, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए 6.25 क्वालिटी फैक्टर है ये, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप तो देख लिए, आपने देख लेना है क्या है इसका क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कितना हो गया, तो ये 0.625 है क्वालिटी फैक्टर, तो आपने देखा क्वेश्चन किस तरीके से लगा, तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग नहीं है, तो थोड़े प्रैक्टिस अगर जैसे आप कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए अच्छे से और वीडियो के एक दो बार देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाए, अगर फॉर्मूला नहीं है भाई फॉर्मूला आप याद करके पहले उसके बाद फिर, ठीक है ना, तो ये 2014 का है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओके।